मछली पालन के लिए केज कल्चर फिश फार्मिंग सिस्टम के तहत एक तकनीक है जिसमें केज हम लोगों ने बनाया है, और इसमें जो इसका जो साइज है रोहू वैरायटी पर एक स्टॉकिंग डेंसिटी पर इसमें रिसर्च वर्क चल रहा है कि पर्टिकुलर एक एरिया में कितना नंबर आप हम मछली डालें ताकि उनका जो ग्रोथ है वो अधिकतम हो पाए। उस पर ये टोटल जो 12 केज हैं, किसी में 200, किसी में 250, किसी में 300, यहाँ तक कि 500 तक भी मछलियों को डाला गया है एक सेम साइज का। और उसके बाद उसका ग्रोथ पैटर्न देखा जा रहा है, उसमें डिजीज का भी देखा जा रहा है कि डिजीज किस में कम और किस में ज़्यादा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कंट्रोल सिस्टम में है, सब इसके नीचे नेट लगा हुआ है, जो भी मछलियाँ इस पर हम डालते हैं वो मछलियाँ टोटल हमको जब भी चाहें उसको हम तुरंत हार्वेस्ट कर सकते हैं। जनरल कंडीशन में जो तालाबों में जो मछलियाँ हम लोग पालते हैं उसको जब हार्वेस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ी सी परेशानी होती है, इसमें हार्वेस्टिंग में कोई हमको समय नहीं लगता है, तुरंत हार्वेस्ट हो सकता है। जब चाहें तब रेडी टू ईट वाला जो सिस्टम है उसको हम लोग हार्वेस्ट करके बाजार में ले आ सकते हैं। इस सिस्टम में सर कौन कौन सी वैरायटियों का पालन किया जा सकता है? वैरायटी सभी किया जा सकता है, लेकिन इस यहाँ जो रिसर्च का जो कर जो चल रहा है वो केवल रोहू वैरायटी प्रजाति जो है, उस रोहू प्रजाति को कितने नंबर्स में हम डालें अलग अलग केज में, केवल रोहू पर रिसर्च वर्क चल रहा है। और ये जनरली आपने देखा होगा कि खासकर जो समुद्री एरिया में जो हमारा जो कोस्टल एरिया के उसमें काफ़ी कुछ बहुत बड़े बड़े एरिया में इसको लगा के मछली पालन। 5x5 स्क्वायर मीटर का मतलब 25 स्क्वायर मीटर का एक केज है और इसमें टोटल 12 केज लगा हुआ है, तो मतलब 300 स्क्वायर मीटर में ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। उसके अलावा थोड़ा सा वेक जो यहाँ पर रहेगा उसके लिए या फीड रखने के लिए या देखभाल करने के लिए छोटा सा घर टाइप में भी है जिसमें लोग रह के भी और अपने जो भी जो फीड की आवश्यकता है, दवाइयों की अगर ज़रूरत है तो सब कुछ वो स्टोर करते हैं ताकि बार बार पानी में उनको जाना ना पड़े। अगर कोई किसान करना चाहे तो जितना एरिया आपने बताया इतने एरिया में लगभग उसको कितने लागत की आवश्यकता पड़ेगी? कुल लगभग 20-22 लाख रुपये की आवश्यकता पड़ेगी और सरकार इस पर सब्सिडी भी देती है, लेकिन उसके लिए एक ज़रूरी है कि जो पानी का जो डेप्थ होता है जहाँ पर लगाया हुआ है कम से कम 15-20 फीट का डेप्थ हमेशा मेंटेन रहे ताकि जो मछलियों का जो एक पर्टिकुलर जो केज जो बनाया गया है मछलियों का जो ग्रोथ उनके आने जाने से ही होता है, मूवमेंट से होता है, तो प्रॉपर मूवमेंट होता रहे। अगर वो ज़मीन में सट गया तो थोड़ा सा ग्रोथ में समस्या आती है, इसलिए डेप्थ होना चाहिए पानी का ताकि उनका ग्रोथ हो सके।